हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीए 2020 के मैथ्स का डिटेल सोल्यूशन, और ये एग्जाम डेट है 7 अक्टूबर 2021 और ये शिफ्ट 1 है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो ला चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप देख चुके होंगे। चलिए इस वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, चलिए सॉल्व करते हैं। और इसका एक्स का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 5 21। और यहां पर देखते हैं पहले ऑफ का काम करेंगे तो 3x, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1/3x इनटू में। और इधर देख रहे ये आपका -8 बराबर किधर जाएगा, +8 बनेगा, तो -7 और +8 आपका 1 देगा। और ये 7 बार में कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहां से 7 आ गया। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 32 और 48 से पूर्णतः विभाजित है वह है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये तीनों नंबर का एलसीएम लेना होगा, और ये तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो 288 होगा, और वो 4 अंक का जो संख्या होगा वो हमेशा 288 का कोई ना कोई एक मल्टीपल होगा। तो हम ऐसा एक मिनिमम नंबर लेंगे जिससे आपका मिनिमम एक 4 डिजिट का अंक मिलेगा, तो वो नंबर आपका के की जगह पर आपको 4 रखना होगा। तो 288 में से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको दे देगा 1152, और 1152 ऐसा 4 अंक का संख्या है जो तीनों से कटेगा, और वही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ एक कंपनी की आय प्रति वर्ष 25% की वृद्धि हुई, यदि वर्ष 2017 में 31,25,000 रुपया उसका आय था तो बताइए 2015 में क्या उसकी आय थी। तो सबसे पहले हम लोग 2015 से 2017 के बीच इनकम का रेशियो देखते हैं। तो सबसे पहले रेट का रेशियो देखते हैं कितना है, 25%, इसका वैल्यू 1/4, यानी कि 4 से कितना हो गया 5। ईयर का अंतर 2 है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पावर 2 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। इसका ये मतलब है कि 2015 में इसका इनकम 16 रहा होगा तो 2017 में कितना है, 25, और यही 25 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 31,25,000। तो यहां से हम लोग फिर 16 का वैल्यू निकाल लेंगे तो 31,25,000 डिवाइड 25 इंटू क्या कर लेंगे, 16। अब इसको काट देंगे 125 बार में कट जाएगा, यानी कि अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपको देगा 2 3 0 और 3 0 और 6 0। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इसको सॉल्व करना था। लिखा हुआ एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे 2475 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखिए, एक कंडीशन में यहां पर लॉस हो रहा है 18% का, और एक कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है 12% का। तो यहां पर देखेंगे ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 30% का होगा। एक लॉस और एक प्रॉफिट के केस में डिफरेंस हमेशा ऐड करते हैं दोनों परसेंटेज वैल्यू को, तो आगे 30%, और यही 30% के कारण कितना ज्यादा मिल रहा है, तो 2475 ज्यादा मिल रहा है। तो यहां से हमको बोला गया कि लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बताना क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू बताना है, तो 2475 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 कर लेंगे हम लोग। 0 0 कट गया, ये 825, यानी कि इसका आंसर बनेगा 8250। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ अगला क्वेश्चन में कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जब 22% छूट पर और 14.5% छूट पर बेचा जाता है के बीच का अंतर 285 रुपये है, तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस क्या होगा। देखिए, पहला डिस्काउंट कितना बेचा गया था, 22%, दूसरा डिस्काउंट कितना दिया, 14.5, तो जो डिस्काउंट का डिफरेंस होगा वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा, तो दोनों को डिफरेंस लेंगे हो जाएगा 7.5%, और यही 7.5% जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 285 दिया हुआ है।
एमपी अपने आप में 100% होगा, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 285 डिवाइड बाय 7.5 इंटू क्या कर लेंगे 100, ये जीरो और जीरो यहां लग जाएगा एक पर। अब यहां से 25 से काट लेंगे 3 और ये हो जाएगा 4 और इसको काट लेंगे हम लोग तो ये कट जाएगा आपका 9 और 5 जीरो, यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा 36 और 2 3800 हो जाएगा। तो 3800 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 65% पर बेचा जाता है और इस पर 30% का लाभ हुआ, तो अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करें। देखिए, हम लोग इसको भी फॉर्म से बनाएंगे, सीपी यहां पर रखेंगे, एमपी यहां पर रखेंगे और एसपी यहां पर रखेंगे। मान लेते हैं एमपी 100% है, बेचा कितना जा रहा है तो 65% पर, तो एमपी का 65% कितना हो गया, 65 हो गया, यानी कि एसपी मेरा 65 निकल गया। अब बाद में 30% का प्रॉफिट हुआ है तो सीपी और एसपी की रेशियो कितना हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा। तो 13 का वैल्यू यानी कि एसपी का वैल्यू कितना दिया, 65, तो इंटू 5 हो रहा है, तो इधर भी इंटू 5 कर देंगे आप तो 50 हो जाएगा इसका वैल्यू। लेकिन हमको बोला गया एमपी और सीपी का रेशियो बताइए, तो एमपी 100 आया, सीपी 50, रेशियो कितना हो गया 2 और 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8500 रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 11900 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि की जाती है तो समान अवधि के लिए वृद्धि हुई राशि कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 8500, 5 वर्ष के बाद 11900 हो जाता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां से हमको इंटरेस्ट मिलेगा 3400 रुपया। अब क्योंकि इंटरेस्ट का रेट जो है बढ़ गया है कितना, 3%, तो एक साल में 3% बढ़ा तो 5 साल में कितना बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा। तो आप पहले 8500 का 15% निकाल लेंगे, कितना इंटरेस्ट बढ़ा उससे आपको पता लग जाएगा। तो 8500 का 15% हो जाएगा 1275, यानी कि अब जो इंटरेस्ट मिलेगा 1275 प्लस 3400 मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 4675। अब पूछा गया नया अमाउंट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 4675 और 8500 ऐड कर देंगे आप। जब ऐड करेंगे तो आपका आप मिल जाएगा 13175। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्चुअल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो किस ब्याज की दर से 4800 रुपए की राशि 2 वर्ष में 5547 रुपए हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि क्या प्रिंसिपल दिया ही आपका 4800 दिया हुआ है, 2 वर्ष के बाद कितना हो गया और 5547 2 वर्ष के बाद। अब यहां पर देखिए रेट निकालना है तो 2 साल के कहानी में आपको यहां स्क्वायर रूट ढूंढना होगा, किसी ना किसी स्क्वायर रूट होगा और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे यहां पर स्क्वायर रूट कर देंगे। तो अभी किसी का स्क्वायर रूट दिख नहीं रहा है, इसको रेशियो हम लोग काट लेंगे पहले 2 से। देखिए 3 से कटेगा ये आपका 1600 बार में, ये 3 से कटेगा 1849 बार में। अब हमको ये किसी का स्क्वायर लग रहा है तो आपको क्या करना होगा, यहां पर स्क्वायर रूट करना होगा। स्क्वायर रूट करेंगे तो 40 का स्क्वायर रूट है और ये 43 का है। अब यहां पर देखते हैं इंटरेस्ट कितना मिला, 3 कितना में से 40 में से इंटू कर देंगे 100, 1/40% का वैल्यू होता है ढाई, तो 3/40 का कितना हो जाएगा 7.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 7.5%। इसी प्रकार से टाइम यदि 3 साल दिया रहता तो हमको यहां पर क्यूब ढूंढना पड़ता, यानी कि आपको क्यूब रूट करना पड़ता वहां पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, मान लेते हैं फर्स्ट और सेकंड 2 नंबर है, पहला का है 7 दूसरा का 9, इसको 7 के मान रहे हैं इसको 9 के मान रहे हैं, दोनों के वर्गों का योग 83/20 है। वर्गों का योग कहने मतलब इसका स्क्वायर कीजिए तो 49 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 81 के स्क्वायर, जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 130 के स्क्वायर और इसका वैल्यू दिया हुआ है 83/20। तो यहां से हम लोग के स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे 64, यानी कि के का वैल्यू हो गया 8।
आगे लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो दोनों संख्या का योग हम देख रहे हैं 16 के, 16 के, तो 16 अटे कितना हो गया 128, 128 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसी तीन बॉक्स है जिनमें 3-5-7 के अनुपात में कांच है, ठीक है, ए बी सी 3, 5 और 7, और टोटल कांच का नंबर है 75। हम यहां पर देखते हैं टोटल है कितना, तो टोटल देखते हैं यहां पर 15 है और 15 का वैल्यू कितना है 75, तो एक का वैल्यू कितना होगा 5, तो ए कांच कितना होगा टोटल 15, बी कांच कितना होगा 25 और सी कांच कितना होगा 35। सब में हम कितना से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फिर आगे लिख रहे हैं कि हाँ यदि 3 कांच बी से ए में स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो 3 कांच इसका कमेगा और इसका 3 कांच बढ़ेगा। फिर लिखा है 5 कांच सी से बी में ट्रांसफर कर दिया, तो सी में 5 कमेगा और बी में 5 बढ़ेगा, तो अब रेशियो क्या होगा पूछा गया है। तो अब ये कितना हो गया, ए में टोटल अब 18 हो गया, बी में देख रहे हैं नेट आपका 2 बढ़ेगा, 3 कमा 5 आया मतलब 2 बढ़ा तो 27 हो गया, और सी में आपका 5 कम गया कितना हो गया 30। तो रेशियो देखते हैं तो हो जाएगा 6, 9 और 10, तो ये रेशियो हो गया 6, 9, 10 ऑप्शन नंबर डी में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीन संख्याओं का योग 396 है यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो दिया हुआ है 7 और 11, दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 11 और 15 है, तो पहली और तीसरी के बीच का अंतर क्या होगा। तो हम देख रहे हैं पहले दोनों रेशियो को मर्ज करेंगे, तो कॉमन टर्म का वैल्यू ऑलरेडी बराबर ही है, तो फर्स्ट हो जाएगा 7, सेकेंड हो जाएगा 11 और थर्ड हो जाएगा 15। फिर आगे देखते हैं तीनों का सम दिया हुआ है, जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 33 आएगा, और 33 का वैल्यू दिया हुआ है 396, तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे 12 हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है पहला और तीसरा का डिफरेंस, तो पहला और तीसरा का डिफरेंस जो होगा वो 8 होगा और 12 टे कितना हो गया 96, और यही आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का 3/4 है, 3/4 मतलब मान लेते हैं दूसरा संख्या यदि 4 है, इसका 3/4 कितना हो जाएगा 3, इसको 3 के मान लेते हैं, इसको 4 के मान लेते हैं। यदि इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों यानी कि रेसिप्रोकल का औसत 7/72 है, तो बताइए दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे हम लोग। इसका व्युत्क्रमानुपात मतलब रेसिप्रोकल का एवरेज दिया है, तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल का सम निकालेंगे, तो सम निकालने के लिए लिखेंगे 1/3k +1/4k, और एवरेज कितना दिया हुआ है 7/72 इंटू, यहां पर आपको 2 मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये एवरेज से नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा वो सम निकालने के लिए। ऊपर में आपका हो जाएगा 7 और नीचे हो गया 12k और इधर हो गया आपका 7/36, तो 7/7 कट गया, ये 3 बार में कट गया, तो k का वैल्यू यहां से निकल के आएगा 3। यदि k का वैल्यू 3 होगा तो दोनों का सम देखते हैं कितना है, तो 7k है और 7k का वैल्यू आपका 21 हो जाएगा, और 21 आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, अंतिम संख्या को सूची से हटा दिया जाए तो शेष संख्या औसत क्या होगा। देखिए यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट आपको इसमें पता भी होना चाहिए, यदि कोई इवन और ऑड के सीरीज में यदि जितना नंबर ऐड करेंगे इच नंबर के लिए आपका एक वैल्यू बढ़ता जाएगा एवरेज में, एक नंबर ऐड करेंगे तो एक बढ़ गया, 2 नंबर ऐड करेंगे 2 बढ़ जाएगा, इसी प्रकार से 1 नंबर हटाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, 2 नंबर हटाएंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, किसमें से एवरेज में से। तो यहां पर 1 नंबर को हटा रहे हैं लास्ट वाले को, यानी कि आपका 1 माइनस हो जाएगा, तो पहले एवरेज कितना था 27, अब उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो अभी एवरेज कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, पता होना चाहिए आप लोगों को।
एक निश्चित संख्या में किसी व्यक्ति को 46 दिन में कोई कार्य पूरा करना है, और यदि 28 व्यक्ति अधिक सॉरी यदि 8 व्यक्ति अधिक होते तो कार्य 16 दिन कम में समाप्त किया जा सकता था। तो मूल रूप से कितने व्यक्ति थे? तो मान लीजिए मूल रूप से x व्यक्ति था और x व्यक्ति 46 दिन में कोई काम को कर देता, लेकिन 8 व्यक्ति और होता मतलब x प्लस 8 होता तो यही कार्य को 16 दिन पहले खत्म कर देता, 16 दिन पहले यानी कि 30 दिन में खत्म कर देता। अब यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है, जो आपका आंसर होगा होगा यहां पर देखिए 2 से काट देंगे 15 बार में, ये कट जाएगा 23, तो 23x और 15x माइनस कर देंगे आप तो 23 और 15 कितना हो गया 8x, इधर हो जाएगा 15 और 120, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15, तो आदमी कितना था 15 था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी क्रमशः 15 दिनों और 25 दिनों में काम कर सकते हैं, उन्होंने 5 दिन के लिए एक साथ काम किया जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और शेष काम को ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया, तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमको पता लगा कि सी का आपको एफिशिएंसी चाहिए। अब कैसे निकालेंगे देखिएगा, ए कोई काम को 15 दिन में करेगा, बी वही काम को 25 दिन में करेगा, एलसीएम 75 हो गया, ए का एफिशिएंसी 5 और बी का हो गया 3, दोनों साथ काम किया है 5 दिन तक, एक दिन में कितना काम करता है तो 8, तो 5 दिन में कितना करेगा दोनों मिलके 40, तो ए और बी अभी तक 40 काम कर दिया तो रिमेनिंग काम रहा कितना 35। अब फिर आगे लिखा हुआ है क्या, बी को सी से रिप्लेस कर दिया तब ए और सी ने अगले 4 दिन में काम पूरा कर दिया। तो आपसे पूछेंगे तो सी का एफिशिएंसी पता नहीं है लेकिन ए का पता है, ए ने 4 दिन में कितना काम किया, अगला 4 दिन में देखिए ए एक दिन में कितना करता है 5, तो 4 दिन में किया 20, तो 20 का माइनस कर देंगे तो बचा कितना 15 काम, और ये 15 काम कौन किया होगा सी, और सी कितना दिन में किया होगा 4 दिन में किया होगा, तो सी का एफिशिएंसी यहां से हम निकाल लेंगे 15/4 होगा। अब सी को काम करना कितना है 75, काम कितना करना है 75, और सी एक दिन में करता कितना है 15/4 ऊपर चल जाएगा, ये आपका 5 बार में कट गया, यानी कि सी उस काम को जो है 20 दिन में पूरा कर देगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल पर 8 घंटे में 280 किलोमीटर की दूरी तय की, तो यहां से मोटरसाइकिल का स्पीड यदि निकालना चाहे तो 280/8 हो जाएगा। यदि वह मोटरसाइकिल की गति के 3/14 से साइकिल चलाता है, मतलब जो बाइसाइकिल का स्पीड होगा वो मोटरसाइकिल के स्पीड का 3/14 होगा, ये तो आप 20 बार में काट देंगे और ये 2 और ये 15, यानी हो जाएगा 15/2 साइकिल का स्पीड। तो 2 घंटे में साइकिल कितना दूरी ट्रेवल करेगा, देखिए इसका स्पीड तो पता लग गया आपको 15/2 किलोमीटर पर आवर, टाइम भी पता लग गया 2 घंटा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 2-2 कट गया, बचा कितना 15 किलोमीटर, तो कितना ट्रेवल किया वो 15 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन ये टीएसडी का है, टाइम स्पीड डिस्टेंस लिखा हुआ है। अपनी सामान्य गति से 3/5 पर चलते हुए एक आदमी एक निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति से तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक में तय करता है। समान दूरी को, डिस्टेंस यहां पर कांस्टेंट है, समान दूरी को अपनी सामान्य गति यानी कि ओरिजिनल स्पीड से तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। सिंपल यहां पर बात है कि वो 3/5 से स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब मान लेते हैं यदि उसका ओरिजिनल स्पीड 5 रहा होगा तो वो चल रहा है इसका 3/5 यानी कि 3 से, ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस यहां पर सेम है। तो पहले कितना समय लग रहा था तो 3 लग रहा था, अभी लग रहा है 5, तो कितना ज्यादा समय ले रहा है तो 2, और यही 2 का वैल्यू दिया हुआ है 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो
तो आपका वैल्यू हो जाएगा 7/3 घंटा। यहां साहब एक का वैल्यू निकाल लेंगे 7/6 घंटा हो जाएगा। अब पूछा गया है कि यूजुअल टाइम बताइए उसका, जब ओरिजिनल स्पीड चलेगा टाइम कितना लगेगा, तो 3 लगेगा टाइम, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 7/6 × 3 यानी कि 7/2 आवर। 7/2 आवर आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 48 सेंटीमीटर लंबाई और 27 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार सीट है और चारों कोना से 3.5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर काट लिया और उसे एक बॉक्स बनाया, तो बॉक्स का क्या होगा मात्रा यानी कि वॉल्यूम क्या होगा। देखिए एक आयताकार सीट इसको मान लीजिए, ये आपका लेंथ दिया हुआ है 48 और ये ब्रेथ भी दिया हुआ है 27 और सारा कोना से 3.5 मीटर का काट लिया, इधर भी एक स्क्वायर, तो ये इस तरह मोड़ा, इसको फोल्ड किया, इसको ऐसे फोल्ड किया और इस प्रकार से ये एक बॉक्स बना दिया। तो आप देखते हैं ये पहले लंबाई निकालना होगा, चौड़ाई निकालना होगा, तो जो लंबाई होगा आप पूरा 48 है, 48 में से 7 आपको माइनस करना होगा क्योंकि दोनों तरफ से 3.5 और 3.5 चला गया, तो बचा कितना 41। तो इसका लंबाई जो हो जाएगा यहां से यहां तक ये हो जाएगा 41, चौड़ाई कितना होगा तो पूरा 27 है, 27 में से 3.5 इधर गया और 3.5 इधर गया, तो बचा कितना 20। ये जो चौड़ाई हो जाएगा ये हो जाएगा 20। ये हाइट क्या होगा, तो ये हाइट देखिए जब मोड़ेंगे तो जितना काटे थे जो भाग उतना ही आपका हाइट बनेगा, यानी कि जो हाइट हो जाएगा ये 3.5 हो जाएगा। अब देखिए एल बी एच पता लग गया, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे तो L इंटू बी इंटू एच, पॉइंट हटा देंगे एक जीरो लगेगा ये कट गया, 70 इंटू आप कर देंगे 41 तो जाएगा 0 7 28, तो 2870 इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए आधार क्या होता है, सिलेंडर का आधार बेस एक सर्कल होता है और सर्कल का एरिया यानी कि पायर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 346.5। तो यहां से जब आप आर सॉल्व करेंगे, रेडियस का वैल्यू निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा हुआ है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सी एस ए कितना दिया हुआ है, 990 सी एस ए 990 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए ऊंचाई क्या होगा। तो सी एस ए का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है 2πRh जो कि 990 है, तो 2 × 22/7 × R 21/2 निकाले हैं इंटू एच बराबर कितना हो गया 990, 7 से 3 बार में गया, 2 से 2 गया, 11 से काट देंगे 2 बार में, ये 11 से कट जाएगा 90, तो इन दोनों 6 हो गया और 6 से कट जाएगा 15 बार में, तो एच का वैल्यू कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये गोला का स्फेयर का है, एक स्फेयर का वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 65 होल 10/21, तो स्फेयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए 4/3 πr³ होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 × 65 होता है 1365 और 10 हो गया 1375 और डिवाइड कितना हो गया 21, तो पूछा गया है कि बताइए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले यहां से हम लोग आर निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा। देखिए 4/3 ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है इंटू आर क्यू बराबर 1375/21, 7 × 21 और 21 कट जाएगा 11 से 2 बार में और 11 से 125 बार में कर जाएगा, तो आर क्यूब का वैल्यू यहां से आएगा 125/8। यदि हम आर का वैल्यू निकालना चाहें तो यहां पर हमको लगाना होगा क्यूब रूट यानी कि 5/2 हो जाएगा आर का वैल्यू। अब हमको पूछा क्या गया है 4πr² का वैल्यू यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 × 22/7 × r² यानी कि 25/4 ये हो जाएगा 550/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 78 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में
दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस धात्विक घनाभ की विमाएं 36 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान आयतन के 8 घनों में ढाला जाता है। इसको पिघलाया और 8 क्यूब बनाया गया, इक्वल क्यूब। तो 8 क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, घनाभ का यानी कि क्यूबर्ड का जो वॉल्यूम होगा LBH, L B into H, वो बराबर होगा 8 क्यूब के वॉल्यूम का। तो एक क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब, तो 8 का कितना हो गया, 8 क्यूब। अब देखते हैं ये आपका 3 बार में कट गया, तो इससे आपको क्या निकलेगा, तो प्रत्येक क्यूब का साइड निकल जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, देखिए यहां पर ये 18 इंटू 2 है, ये 18 इंटू 3 है और इंटू एक 3 है। देखिए 9 दूनी 18, 18 18, तो 3 बार 18 आ गया, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो 1/18 बाहर निकल जाएगा। अब 1/18 आ गया मतलब इसका साइड आ गया, प्रत्येक साइड क्यूब का 18 आ गया। इसका निकालना क्या है, 8 का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और इंटू क्या करना होगा आपको, 8 करना होगा, क्योंकि क्यूब कितना है, 8 है। तो 6 इंटू, अब 8 का स्क्वायर हो गया 324, इंटू कर देंगे आप 8। अब देखिए सबका यूनिट प्लेस अलग अलग है, मिलाएंगे तो यहां 24, 4 और 32, दो यूनिट प्लेस आएगा और दो यूनिट प्लेस आपका एक ही जगह पर है, ऑप्शन नंबर डी में, और कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, 5, 5। आगे 25 संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब औसत 14 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा? देखिए आपको पता है एवरेज, कोई भी नंबर का कुछ फिक्स नंबर का एवरेज कुछ दिया रहेगा और प्रत्येक में इतना जोड़ते हैं तो एवरेज उतना बढ़ जाता है, तो एवरेज 3 बढ़ जाएगा, तो 3 बढ़ जाएगा मतलब कितना हो गया, 17। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन डीआई का है और ये आपका हिस्टोग्राम दिया हुआ है और इसका अध्ययन करना है। टोटल वर्कर्स भी दिया हुआ है, कितना है, 200। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन डीआई का है कि लिखा हुआ है कि उन श्रमिकों की कुल संख्या जिनकी दैनिक मजदूरी 550 से कम है। तो सबसे पहले 550 से कम वाले देखते हैं, तो ये यहां से हो जाएगा 550 से कम वाला, तो 50, 60, 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 550 से लेस देन। उन श्रमिकों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है जिनकी दैनिक मजदूरी 550 और उससे अधिक है? तो आप बताइए 550 और उससे अधिक कितना, यहां देखिए 550 और उससे अधिक, तो 100 और 25 125, 550 प्लस, तो कितना हो गया, 125। तो सिंपल बोला गया 550 वाले कम, जितना मजदूर है 550 से ज्यादा वाला मजदूर से कितना कम है। तो पहले ये दोनों नंबर का रेशियो ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो देखते हैं 2 कम है कितना में से, 5 में से, इंटू कर देंगे 100, तो 40% कम है, 40% ऑप्शन नंबर सी। आगे 500 रुपए से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या का अनुपात उन श्रमिकों की कुल संख्या से है जिनकी मजदूरी 600 और उससे अधिक है। तो सबसे पहले देखते हैं 500 रुपया से कम कितने मजदूर हैं। तो 500 रुपया से कम वाले मजदूर हम इधर देखेंगे कितना है, 45, 500 से कम है, और 600 और उससे अधिक, देखिए यहां 600 और उससे अधिक कितना है, 100, 40 और 60 कितना हो गया, 100, 600 या फिर 600 से प्लस 100, तो ये दोनों रेशियो क्या है बताना है। तो ये 9 और ये कितना हो गया, 20, तो 9:20 होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे लिखा हुआ है क्या, उन श्रमिकों के प्रतिशत के बीच का अंतर क्या होगा जिनकी मजदूरी 500 से कम है और श्रमिकों के प्रतिशत जिनकी दैनिक मजदूरी 600 और उससे अधिक है। तो आप देखिए 500 से कम कितने लोग हैं, तो 500 से कम हम देख रहे हैं कि 45 लोग हैं, तो 45 लोग हैं 500 से कम कितने में से, तो टोटल कितने लोग था,
200 लोग इंटू क्या कर देंगे 100, तो 500 से कम लोग वाले लोगों का जो परसेंटेज है वो 22.5 है, और 600 से अधिक, 600 या 600 से अधिक वाले का परसेंटेज निकालेंगे तो 600 से अधिक कितना है आप देख रहे हैं यहां पर 100 है, कितना में से, तो टोटल कितना था 200 इंटू कर देंगे 100, तो टोटल कितना हो गया यहां पर 50%। और यही दोनों का परसेंटेज का डिफरेंस पूछा गया है जो कि आपका हो जाएगा दोनों डिफरेंस 27.5%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस प्रकार से हम लोग पूरा 25 क्वेश्चन का बारी बारी से डिस्कशन देखें। उम्मीद करते हैं आप लोग सारे क्वेश्चन को देखे होंगे और जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा उसको आप लोग नोट डाउन करके रखिए, आगे कोई भी एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम में वो रिपीट होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा, धन्यवाद।